नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूपिका लियाकत। 7 बज रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर आपको कुलभूषण जाधव से जुड़ी हुई बता देना चाहती हूं, क्योंकि उनकी फांसी के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में पाकिस्तान करारा झटका उसे अभी लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के उस डॉक्टर्ड वीडियो, उस फर्जी वीडियो को ICJ ने देखने से इनकार कर दिया है। यानी वो सबसे बड़ा सबूत जो पाकिस्तान चीख चीख कर दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा था, उस सबूत को ही ICJ ने नकार दिया है। पाकिस्तान कुलभूषण यादव के बयान के उस फर्जी वीडियो को सबूत के तौर पर पेश करना चाहता था, अपनी पहली दलील में शायद उसी को रखना चाहता था, लेकिन सुनने से जजेस ने, वो 11 जजेस जो वहां पर सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने इस डॉक्टर्ड वीडियो को देखने से ही इनकार कर दिया है। भारत बकायदा अपना पक्ष रख चुका है, इस वक्त पाकिस्तान अपनी दलीलें पेश कर रहा है, अपने पक्ष को रख रहा है। पाकिस्तान की तरफ से मुअज्जम अहमद खान, मोहम्मद फैसल, खवार कुरैशी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दलील दी है कि कुलभूषण मामले में वियना कन्वेंशन लागू नहीं होता है। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि उसे कुलभूषण को फांसी देने की जल्दी नहीं है, क्योंकि मत भूलिए भारत ने अभी ये दलील रखी है कि हमें क्या पता ये सुनवाई होने से पहले ही कुलभूषण जाधव को फांसी पर चढ़ा दे, हमें डर है इस बात का। भारत ने अपनी दलील में ये बात रखी थी। तो पाकिस्तान ने जवाब ने कहा है कि हमें फांसी देने में कोई जल्दी नहीं है। पाकिस्तान ने भारत के दावे को गलत कहा, दावा किया कि उसे ईरान से नहीं बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। क्या कुछ चल रहा है ICJ में, इसको डिटेल में बताने के लिए 3 अलग-अलग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की यह बड़ी खबर आपके सामने। तो पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है, और इस बार बेनकाब हुआ है ICJ में, जहां पर उसने अपना डॉक्टर्ड वीडियो, आपको याद होगा जी न्यूज ने वो वीडियो आपको बताया था, फ्रेम दर फ्रेम आपको समझाया था कि कैसे इस वीडियो के साथ कुछ गड़बड़ी की गई है, क्योंकि जो तरीका वीडियो को प्ले करने का और उसे जिस तरीके से दुनिया के सामने रखा था, उसमें साफ नजर आ रहा था कि ये एडिटेड है, इसमें कुछ ना कुछ टेम्परिंग जरूर की गई है, एंगल्स बार बार बदले गए थे, हर सेंटेंस में कट नजर आ रहा था, और इसीलिए ICJ ने पाकिस्तान की तरफ से उस वीडियो को देखने से इनकार कर दिया है। अभी पाकिस्तान अपनी दलील पेश कर रहा है, भारत अपनी दलील रख चुका है। हरीश सालवे वहां पर जो भी दलीलें थी वो आगे हम आपको बताएंगे। कुलभूषण जाधव के केस में वो सामने भारत रख चुका है। उसमें सबसे अहम यह है कि जो संधि है, वियना संधि, उसको कहीं ना कहीं तोड़ रहा है पाकिस्तान। मेरे 3 अलग-अलग सहयोगी यहाँ जुड़ गए हैं। यहाँ न्यूज रूम से कार्तिकेय मेरे साथ जुड़े हैं, व्योन के संवाददाता हैं हमारे साथी चैनल के, इंग्लिश चैनल के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार बहुत क्लोजली इस पूरे के पूरे इशू को ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं। सचिन भी इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और रवि, क्योंकि सियासी हलकों में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से इस पर सरकार अपना रुख रखने वाली है, उस पर भी नज़र रवि बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं कार्तिकेय आपके पास आ जाती हूँ, क्या जानकारी अभी आपको मिल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान को लग ही गया है शुरुआत में ही। देखिए, पाकिस्तान को 3 बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका इस बात का था कि जब हरीश सालवे चले गए नेदरलैंड हाग में, और 6 घंटे के भीतर उन्होंने रजिस्ट्रार से बात की, और रजिस्ट्रार ने सीधे फ़ोन किया पाकिस्तान सरकार को, केस को एडमिट कर लिया और कहा बड़े साफ साफ तरीके से कि ये जो एग्जीक्यूशन, यानी जो फांसी का जो ऑर्डर है, उसको आप क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं, यानी आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। पहला झटका तब था पाकिस्तान को। दूसरा झटका आज ही लगा पाकिस्तान को। दोपहर भर पाकिस्तान के जितने बड़े अधिकारी वहाँ नेदरलैंड्स में हाग में मौजूद थे, वो बैठ के कन्फेशनल स्टेटमेंट को एडिट कर रहे थे, उसको देख रहे थे कि किस तरीके से ICJ की अदालत में इसे चलाया जाए और पब्लिकली एक प्रोपेगेंडा किया जाए भारत के खिलाफ। लेकिन जब ये पूरा प्रोपेगेंडा मटेरियल लेके ये लोग ICJ गए, अदालत गए, तो 11 लोगों की बेंच थी और उन्होंने बोला कि इसको नहीं चलाया जाएगा। ये दूसरा बड़ा झटका लगा। और तीसरा बड़ा झटका इस बात का है कि जो हिंदुस्तान की तरफ से सारे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से फांसी दे दी जाए। और अभी अभी आपने इस बात को भी कहा कि पाकिस्तान को ये कहना पड़ा कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा, लेकिन सच बात ये थी कि पाकिस्तान का झूठ भारत ने पकड़ा। पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि जाधव को किसी ना किसी तरीके से फांसी दे दी जाए।
मैं आपके पास आती हूँ कार्तिकेय, लेकिन अभी रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, क्लोजली जो है इस चीज को मॉनिटर किया जा रहा होगा सरकार की तरफ से, बकायदा वहां से क्या क्या आपको जानकारी मिल रही है और किस तरीके से इस पूरे के पूरे इशू को आगे रखा जाने वाला है? देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो डेवलपमेंट यह है कि सरकार हर तरह के प्रूफ पाकिस्तान को दे रही है और कोशिश यह है कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो जिसमें हड़बड़ी भी नहीं दिखाया गया, और एक एक करके एक एक हर लेवल पर हर तरह के इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर किए गए हैं, उनको अगर एक तरह से कहा जाए तो उनको दोषी करार नहीं दिए जाने का, सारे सबूत देने के बावजूद अगर भारत सरकार ने ICJ जाने का तय किया को तो इसको लेकर भी राजनीति हुई कि ये पहली बार बहुत दिनों के बाद इस तरह का फैसला भारत सरकार ने लिया कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा रहे हैं। हो सकता है इसका दूसरा भी नतीजा निकल सकता है कि पाकिस्तान कश्मीर मसले को लेकर भी आगे जाए, ये द्विपक्षीय बातचीत की जहां तक बात आती है। लेकिन सरकार ने यह भी स्टैंड लिया, एक बड़ा स्टैंड है, क्योंकि अपने एक एक शख्स को बचाने के लिए आप क्या कितना बड़ा स्टैंड लेते हैं ये डिपेंड करता है कि सरकार की नीति क्या होती है, कि सरकार ने सोचा है। कांग्रेस की तरफ से हमला हुआ, कांग्रेस ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि आगे इसका बुरा परिणाम नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस लाइन पर आगे बढ़ी। और अभी देखिए आप ICJ में लगातार सरकार को एक तरह से कहा, सरकार के लाइन को सफलता मिल रही है और पाकिस्तान एक्सपोज होता जा रहा है। तो ये एक भारत की कूटनीतिक सफलता है कि भारत ने एक एक स्टेप बाय स्टेप इसमें काम किया है, पेशेंसली काम किया है और एक्सपोज करते चले गए हम पाकिस्तान को, और आज उसका फायदा आपके सामने दिख रहा है। रवि, और वो सबसे बड़ा सबूत जो पाकिस्तान बार बार कहता रहा, चाहे वो बासित की तरफ से आया हो, चाहे वहाँ के हुक्मरानों की तरफ से वो बयान आए हो, जिसमें ये बार बार कहते रहे कि देखिए हमारे पास तो वीडियो है, उसमें बकायदा वो कबूल कर रहा है कि भारत ने जो है मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि मैं बेकसूरों को मौत के घाट उतार सकूं, लेकिन वो वीडियो डॉक्टर्ड है, ये बार बार सबूत यहाँ भारत पेश करता रहा और अब तो ICJ में भी उसे देखने से इनकार कर दिया गया। फिलहाल वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है सचिन आपको बताएंगे। सचिन, क्या आपको जानकारी मिल रही है सुनवाई को लेकर? रूबिका, जिस तरीके से कार्तिकेय ने बताया, इस वक्त जो पाकिस्तान के वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि दो तरीके से अब तक इस पूरी स्थिति को देखा जा सकता है कि डाइस अब पूरा घूमता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये शायद कि पाकिस्तान ने जिस वक्त वो डॉक्टर वीडियो, जिसे हम कह रहे हैं कि एक कन्फेशनल वीडियो पाकिस्तान कह रहा था जिस पर पूरा केस बिल्टअप कर रहा था, वो तैयार किया था, उस वक्त शायद पाकिस्तान ने ये सोचा ही नहीं था कि भारत इस हद तक चला जाएगा कुलभूषण जाधव को लेकर के कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाएगा, नंबर एक, क्योंकि उस तरह से उसने प्रिपरेशन नहीं की थी। एंड सेकंड, अगर उसने सोचा था कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा और इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी के सामने इस केस को प्रिपेयर रखना पड़ेगा, तो भारत जो कि अपना पूरा केस वेना संधि के तौर पर तैयार करता आया था, आज हरीश सालवे ने अपने पॉइंट्स बिल्कुल उसी तरीके से रखे, वही केसेस का एग्जाम्पल दिया जो आज से पहले वियना कन्वेंशन के उल्लंघन के मामले में, क्यों ये भी एक वैसा ही बनता है, तमाम देशों के मामले रहे हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आते रहे हैं, उसी पर अपना पूरा केस बनाया। वहीं पाकिस्तान ये नहीं सोच रहा था कि भारत इस तरीके से काउंटर करेगा, पाकिस्तान सिर्फ वही वीडियो लेकर के आया जिसे प्ले करने तक से भी मना कर दिया गया। अब दूसरी चीज़ ये है, अब यहाँ पर ये देखना होगा कि एक पैरेलल चील पाकिस्तान में हमेशा साथ साथ चलती है। एक तो ये पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि इंटरनेशनली भारत अब इसे पुटअप लेगा, जैसे हरीश सालवे ने तीन चीजें रखी हैं कि जब तक हियरिंग नहीं हो जाती है तब तक यह सुनिश्चित किया जाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सुनिश्चित करे कि फांसी वहां पर ना हो। दूसरा यह कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना पक्ष CJI में रखे, यहां पर इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें आकर के रखे। अब ऐसे में क्या पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान यहां पर मुंह की खाता हुआ नजर आएगा तो क्या उस चीज को मानेगा? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट यह स्टैंड लेगी कि हां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत गया है तो हम भी अपना पक्ष वहां पर रखते हैं, या फिर कहीं एक हमेशा एक दूसरा स्टैंड कि वो अंतरराष्ट्रीय नियमों को उल्लंघन जैसे करता रहे कि वो यहां पर सामने ना आ जाए? सचिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरीश सालवे ने आज तीन उदाहरण दिए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो जो तीन कंट्रीज आपस में आई थी, चाहे वो बेल्जियम, बुल्गेरिया हो, होंडुरस और निकारागुआ हो, उन सब ने कैसे इस कन्वेंशन को रखा था, और मत भूलिए कि पाकिस्तान ने तो खुद इसमें साइन किया है वियना कन्वेंशन में, और अगर वो बात नहीं मानता है तो गड़बड़ी हो सकती है। कार्तिकेय, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्या ये गलती कर सकता है या इतनी हिमाकत कर सकता है कि वो आज जो फैसला है उसे ना माने?
देखिए दुख की बात है कि पाकिस्तान इस तरह की सारी हिमाकत कर सकता है, पाकिस्तान नियम कानून तोड़ सकता है आईसीजे के, पाकिस्तान चाहे तो हो सकता है 30 दिन बाद उस एग्जीक्यूशन ऑर्डर को वो पारित कर दे और बताए ही नहीं हिंदुस्तान को एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन आपको समझना होगा कि दिक्कत क्या है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वहाँ जो लोकतंत्र है वो केवल चुनावों तक सीमित है और वहाँ की जो फौज है वो देश को चलाती है। सरबजीत को जब मारा गया पाकिस्तान में तो ये कहा गया कि जेल में दंगा हो गया, लेकिन मोटा मोटी बात ये थी कि सरबजीत की प्रिजन में यानी जेल में किलिंग हुई थी, उसको मारा गया था, परिस्थिति बनाई गई थी। तो पाकिस्तान ये तमाम चीज़ें कर सकता है क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है, वो एक ऐसा मुल्क है जिसे फौज चलाती है, फौज क्या कहते हैं कि पॉलिटिशियंस के ऊपर भी बैठती है, ज़मीन पर भी उसका कब्जा है, उद्योग पर भी उसका कब्जा है, तो फौज यानी मालिक है पाकिस्तान की। तो अब आप फौज से कैसे बात करेंगे क्योंकि चेहरा तो प्रधानमंत्री है, बोकोटा है वहाँ का प्रधानमंत्री, तो दिक्कत यहाँ आती। लेकिन भारत की विजय, भारत की जीत केवल इस बात पर है कि पाकिस्तान को बेनकाब किया गया, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने लाके खड़ा किया गया और कहा कि किस तरीके से नियम कानून को ताक पे रखा गया। एक चीज़ बताइए आप, जब कसाब को जेल हुई थी, कसाब को पकड़ा गया तो सालों साल केस चला था और सिविल कोर्ट में चला था। याकूब मेनन का केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, रात के 12 बजे कोर्ट खुला था, 4:30 बजे उस पर फैसला आया था, लेकिन इस तरह की कोई सुविधा जाधव को मुहैया नहीं कराई गई। जाधव को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया गया है, जाधव को सिविल कोर्ट में नहीं दिया गया। कसाब को, याकूब मेनन को यहाँ वकील मिले थे, लेकिन वहाँ लाहौर बार में वकील देने से तक मना किया गया। यानी जाधव की दिक्कत केवल ये नहीं है कि उसे फौजी कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दी, उसको मिलने नहीं दिया गया। उसके माता पिता 14 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के आगे पीछे, पर वीज़ा नहीं दिया गया। तो गलती हज़ार की है पाकिस्तान ने, पर हिंदुस्तान की जीत इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने साबित किया कि पाकिस्तान किसी नियम कानून की इज्जत नहीं करता है। बिल्कुल कार्तिक, आप बात एकदम सही कह रहे हैं। वो सारी दलीलें आज हिंदुस्तान ने रखी भी है कोर्ट में, वो दलीलें आप हमें डिटेल में बताइएगा। लेकिन रवि, आज फैसला आता है और मान लीजिए भारत के पक्ष में आता है वो फैसला, पाकिस्तान उसे मानने से इनकार कर देता है, जिसकी आशंका जताई भी जा रही है क्योंकि वो ये हिमाकत कर सकता है, हालांकि उसके बाद उसे इंटरनेशनल दबाव बहुत झेलना पड़ेगा और दुनिया के सामने वो एक बार फिर से बेनकाब हो जाएगा। लेकिन उस सूरत में फिर क्या होगा, भारत की फिर वो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? देखिए, अभी तक जो साफ हो रही स्थिति उसमें यह है कि भारत की पहली प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना और कुलभूषण यादव को बचाना। तो इस स्थिति के लिए जिस लेवल पर भारत को जाना है, क्योंकि अभी भी आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा गया कि हम इस हालात में पूरी तरह से सरकार के साथ हैं और पूरा देश इस मामले में साथ है, तो किस लेवल तक जाना है इसमें कहीं विपक्ष एक तरह से कहा जाए खड़ा नहीं होगा। विपक्ष चाहेगा और पूरा देश चाहेगा कि इस मामले में सरकार आगे बढ़े और कुलभूषण जाधव को बचाए और साथ साथ पाकिस्तान को एक्सपोज भी करे। तो इसके लिए अमेरिका से बातचीत करे, सोवियत रूस से बात करे, इस तरह के सुझाव कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं और सरकार के लेवल पर आप जान रहे हैं कि कई तरह स्ट्रेटजी बनाई गई होगी कि इस स्थिति में अगर पाकिस्तान झूठ बोलता है, पाकिस्तान भागता है इस स्थिति से, पाकिस्तान नहीं मानता उस बात को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात को भी नहीं मानता है, तो उसके आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, ये भी स्ट्रेटजी एक बनाई गई है और उसके तहत भी काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यह है कि आज के डेट में पाकिस्तान को एक्सपोज करना, पूरे विपक्ष को, पूरे देश को एक साथ लेना, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक लगता था कि विपक्ष के सुर थोड़े से अलग थे, उनको डाउट था कि भारत अगर गया है आईसीजे में, जब पाकिस्तान लेकर गया था कोर्ट में मसला और ये कहा था हमारे नेवी के विमान को हमारे एयर स्पेस में भारत ने मार गिराया, हमारे सैनिक मारे गए थे, लेकिन उसमें 14-2 से उस पूरे के पूरे केस को आईसीजे ने खारिज कर दिया था। यानी पहले झटका लग चुका है, आज फिर बारी है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के केस में अपनी दलील रख रहा है, अपनी दलील दे रहा है। उसने सबसे पहले अपनी दलील में उस वीडियो को प्ले करके उन 11 जजों की बेंच को दिखाना चाहा, लेकिन आईसीजे में उन सारे जजेस ने इस वीडियो को देखने से इनकार कर दिया। कार्तिकेय मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से साथ बने हुए हैं। कार्तिकेय, हरीश सालवे ने एक के बाद एक जो दलील दी है वो कितनी स्ट्रांग दलीलें हैं और उसको काउंटर करना आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए इतना डिफिकल्ट हो जाएगा? देखिए, उससे उसको 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 पाकिस्तान के लिए मैं बोलूँगा एक चुनौती है,
जो हरीश सालवे ने जो हेग में आज कहा वो पाकिस्तान के लिए एक बौद्धिक चुनौती है कि उन तमाम बातों उन तमाम दलीलों को खारिज कैसे करेगा। लेकिन आप बताइए, पाकिस्तान वो हेग की उस अदालत में जाके झूठ पे झूठ और कहानियां गढ़ रहा है। अभी कुछ देर पहले वहां से खबर ये आई कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि तो स्टे है ही नहीं, फिर पाकिस्तान ये कह रहा है कि अटलांटिक के मामले में तो भारत ने पाकिस्तान की बात मानी नहीं थी। ये आपने इस बात का जिक्र किया था, 1999 की घटना है, अटलांटिक कोई कार्गो प्लेन नहीं है, अटलांटिक कोई पैसेंजर प्लेन नहीं है, अटलांटिक एक सर्वेलेंस और वेपनाइज प्लेन बोला जाता था। और ये बात सच थी कि जब वो भारत की जमीन में वो आ गया और वहां सर्वेलेंस कर रहा था तो MiG-29 उड़े, और जब उन्होंने बोला कि आप लैंड करिए तो उसने अपना मुंह मोड़ लिया, जिसे कहते हैं 60 डिग्री टर्न लिया। और 60 डिग्री टर्न का मतलब यह होता है रूबिका कि आप मिसाइल छोड़ सकते हैं। तब उस प्लेन को गिराया गया, यानी भारत की जमीन में आ पाए, उसके बाद बोले कि हमारा प्लेन क्यों गिरा दिया गया और आपने तब ICJ की बात नहीं मानी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। यानी आप झूठ भी बोल रहे हैं और सच को तोड़ मरोड़ भी रहे हैं। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हरीश सालवे ने जो पैरागुआ वर्सेज अमेरिका के जिक्र किया, उसने पैरागुआ निकारागुआ मैक्सिको इन तमाम केसेस का जिक्र किया था हरीश सालवे ने कि क्यों इनको तरजीह देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि वो तो नियम अलग हैं, हम उसको मानेंगे नहीं। यानी पाकिस्तान अपने देश के कानून नहीं मानेगा, पाकिस्तान विदेश के कानून नहीं मानेगा, पाकिस्तान ICJ में हेग के कानून नहीं मानेगा, तो किसकी बात मानेगा? वो बेसिकली खुद का ही कह सकते हैं ना, खुद ही का गोल खुद ही के उस पोस्ट पे जाकर कर रहा है। वो 90 मिनट में बेसिकली जाकर अपनी ही एक्सपोज़े जो है वो किए जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर नजर आगे भी हम बनाए रखेंगे।